आगे बढ़ा लेते हैं। करना चाहिए था बेगूसराय आकर मुख्यमंत्री के नाते जो पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, सदर अस्पताल आना चाहिए था। ये कोई वैचारिक और जातीय और राजनीतिक मामला नहीं है, ये सामान्य लोग मरे हैं। वो तो बेचारे देश की गतिविधियों में शामिल थे, उनको तो सभी पार्टियों का नाम भी नहीं मालूम है, उनका क्या दोष है? हमारी राजनीति का शिकार सामान्य आदमी ना हो, ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। जब उन्हें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, अपराध मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, तो विभिन्न राज्यों की राजधानियों का वो दौरा कर रहे हैं, वे करें, लेकिन यह काम तो किसी को सौंप जाए। आज तेजस्वी क्यों नहीं आए बेगूसराय? क्या बेगूसराय के साथ दोहरा मापदंड किसी और कारण से अपना रहे तेजस्वी और नीतीश कुमार? क्या ये घटना छपरा में होती तो तेजस्वी जाते कि नहीं जाते? ये घटना नालंदा में होती तो नीतीश कुमार जाते कि नहीं जाते? नालंदा और छपरा के हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, बेगूसराय के में ना विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, ना अच्छे अस्पताल खोल रहे हैं, और अब अपराध के मामलों में भी बेगूसराय के साथ दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ने के लिए बेगूसराय बाध्य कर देगी, मैं वो नारा दोहराता हूँ, जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती है। वो आएँ, पीड़ितों से मिले, हमारी मांग है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जिले में आएँ, पीड़ितों से मिले, उनके घर में जाएँ, कंपेंसेशन की घोषणा करें। पप्पू यादव का कहना है कि आखिर बेगूसराय में ही सारे बीजेपी नेता क्यों उतर रहे हैं? दूसरे जगह जो दूसरे जिले में जगह घटना होती है तो लोग नहीं जाते। वे जहां बम फोड़ेंगे, हम बम को समाप्त करने के लिए आएंगे। ये दिखाता है कि कुछ लोग बेगूसराय के चरित्र को बिगाड़ना चाहते हैं। हम बेगूसराय के चरित्र को, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो बेगूसराय को एक चरित्र दिया है, उस चरित्र को बनाए रखने के लिए हम कृत संकल्प हैं। बस देख लिया, बस देख लिया। हेलो सर, हेलो सर,